हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत बड़े ट्विस्ट के बारे में इन ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस मैच एट क्राउन जूल। दोस्तों, क्राउन जूल के लिए बाकी है बस 2 दिन और हमें इस पेपर व्यू में काफी मजा आने वाला है। सबसे बड़ी मैच हमें देखने मिलने वाली है इस क्राउन जूल पेपर व्यू में, वो होगी बिटवीन ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस। तो कौन सा बड़ा स्पॉइलर आ गया है इस मैच का? क्या हमें इस स्पॉइलर से विनर पता चल गया है कि कौन होगा? यही बातें करेंगे हम इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, फर्स्ट हम बात करेंगे द मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। सभी वेट कर रहे हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का नेक्स्ट मूव क्या होगा जब वो प्रोफेशनल रेसलिंग में अपना रिटर्न फिर से करेंगे। तो क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव, कौन से कंपनी में वो जाएंगे? ब्रॉन स्ट्रोमैन, जिनका रियल नेम है एडम स्कैर, उनके ऊपर आई है एक बहुत बड़ी अपडेट। पीडब्ल्यू इंसाइडर ने रिपोर्ट दिया है कि पिछले संडे आफ्टरनून में ब्रॉन स्ट्रोमैन की मीटिंग हुई थी इंपैक्ट रेसलिंग के एग्जीक्यूटिव स्कॉट डी अमोरो के साथ। अब दोस्तों, यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बात कर ली है इंपैक्ट रेसलिंग के एग्जीक्यूटिव के साथ, मतलब ब्रॉन स्ट्रोमैन को शायद आना होगा इंपैक्ट रेसलिंग में। और जो इंपैक्ट रेसलिंग का बड़ा इवेंट होता है बाउंड फॉर ग्लोरी, उसके लिए इंपैक्ट रेसलिंग काफी सारे सरप्राइजेस प्लान कर रहे हैं एंड मे बी उनमें से एक सरप्राइज हो सकता है ब्रॉन स्ट्रोमैन के रूप में। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है ब्रॉन स्ट्रोमैन का इन द कमिंग टाइम। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करेंगे रॉ की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, रॉ की बात की जाए तो रॉ अभी एकदम अच्छे स्टेट में नहीं चल रहा है, काफी सारे डाउन्स चल रहे हैं इस रॉ ब्रांड में। पर लग रहा है कि WWE नेक्स्ट ईयर एक जबरदस्त चीज करने वाली है रॉ पर। एंड्रयू ज़ेरियन ने ट्विटर पर यह अपडेट दी है कि जो 2022 का जनवरी मंथ होने वाला है उस मंथ में रेट्रो रॉ वापस आने वाला है, मतलब जो ओल्ड स्कूल रॉ होते हैं वो वापस आने वाला है जनवरी मंथ में। तो ये काफ़ी अच्छा मूव है क्योंकि नेक्स्ट ईयर के जनवरी मंथ में हमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स देखने मिल सकते हैं इस रॉ के एपिसोड में। ओल्ड थीम हमें देखने मिल सकती है, लेजेंड्स का रिटर्न देखने मिल सकता है। सो लेट्स सी कौन से लेजेंड्स आते हैं एंड कौन से मैचेस या सेगमेंट्स हमें देखने मिलते हैं इस रेट्रो रॉ के लिए। अब दोस्तों, बात करेंगे बड़ी अपडेट के बारे में जो थोड़ी है ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के मैच के स्पॉइलर से रिलेटेड। काफी सारा सस्पेंस से भरा होगा ये ढांसू मैच जहां पर ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस एक दूसरे को तोड़ने वाले हैं और सबको ये जानना है कि आखिर कौन जीतेगा क्राउन जूल पेपर व्यू में। अब कौन जीतेगा ये तो विंस मैकमैन ही बता सकते हैं, बट पॉल हेमन ने दे दी है एक बहुत बड़ी स्पॉइलर इसके बारे में। पॉल हेमन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला है और उन्होंने काफी जबरदस्त कैप्शन लिखा है। पॉल हेमन ने ये लिखा है कि उन्हें बुरा लग रहा है कि वो इस जबरदस्त मैच का एंडिंग जो है वो स्पॉइल कर रहे हैं। आगे उन्होंने ये कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, उनका नाम है पॉल हेमन, वो रैम पर वॉक करेंगे यूनिवर्सल चैंपियन के साथ और वो अश्योर करते हैं कि वो निकलेंगे क्राउन जूल से यूनिवर्सल चैंपियन के साथ। तो यहाँ पर पॉल हेमन ने फिर से एक ट्विस्ट डाल दिया है। अब पॉल हेमन किसके साथ निकलेंगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो रोमन रेंस के साथ ही आएंगे, पर यहाँ पर मे बी हमें एक ट्विस्ट देखने मिल सकता है। पॉल हेमन मे बी टर्न हो सकते हैं रोमन रेंस के ऊपर एंड देन वो अलाइन हो सकते हैं ब्रॉक लेसनर के साथ और ऐसे फिर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हराकर जीत सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप और फिर पॉल हेमन जो है वो न्यू यूनिवर्सल चैंपियन के साथ क्राउन जूल से निकलेंगे। या फिर दोस्तों, ये भी हो सकता है कि रोमन ब्रॉक को हरा दे और रिटेन करे चैंपियनशिप और फिर पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ ही निकले क्राउन जूल से विद रोमन रेंस बीइंग द यूनिवर्सल चैंपियन। दोस्तों, 2002 के सर्वाइवर सीरीज में बिग शो वर्सेस ब्रॉक लेसनर की जो फ्यूड थी उसमें सर्वाइवर सीरीज में पॉल हेमन जो है वो टर्न हो गए थे ब्रॉक लेसनर के ऊपर और उन्होंने अलाइन कर लिया था खुद को बिग शो के साथ। उनके ऑनगोइंग फ्यूड में सर्वाइवर सीरीज से पहले जब वो ब्रॉक के साथ थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था एक प्रोमो में जहां पर पॉल हेमन ने ये कहा था कि उनके क्लाइंट वहां से निकलेंगे द WWE चैंपियन। और फिर सर्वाइवर सीरीज में पॉल हेमन ने धोखा दे दिया ब्रॉक को और फिर ब्रॉक लेसनर वो मैच हार गए थे और बिग शो जीत गए थे WWE चैंपियनशिप। तो क्या हमें इस बार भी वैसे ही देखने मिलेगा? क्या पॉल हेमन टर्न होंगे रोमन रेंस के ऊपर और अलाइन कर लेंगे खुद को ब्रॉक लेसनर से? यह हमें देखना पड़ेगा क्राउन जूल पेपर व्यू में। इसके रिलेटेड दोस्तों, और भी कोई बड़ी अपडेट आती है तो वो आपको हम देंगे तुरंत। तो आप सभी स्टे ट्यून्ड रहिए एंड एक्साइटेड रहिए
क्राउन जूल के लिए, रोमन एंड ब्रॉक के लिए, एंड इवन रेसलिंग बादशाह के लिए भी। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आप कितने एक्साइटेड है ब्रॉन स्ट्रोमन के रिटर्न के लिए और इम्पैक्ट रेसलिंग, एंड सेकेंड क्या आपको लगता है कि पॉल हेमन धोखा देंगे रोमन रेंस को और ब्रॉक लेदर जीतेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप, या फिर पॉल हेमन रहेंगे रोमन रेंस के साथ ही और रोमन रेंस जीतेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप, आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।